अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्वे अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। विविध पाठ और स्तुतियों के अर्थ की चर्चा करते हुए आज हमें दौलत राम जी द्वारा लिखित एक प्राचीन सुंदर भजन उसके अर्थ की चर्चा करनी है। बहुत ही सुंदर है, मार्मिक भजन है और जो पंक्तियाँ अभी हमने कही हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम मतलब कौन? भगवान, अरंत भगवान, सिद्ध भगवान, पंच परमेष्ठी मुनिराज, जैसी उनकी दशा है वैसी मेरी भी दशा हो जाए। उस दशा की दिशा में पहला कदम होता है सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहा है सम्यक दर्शन को। दौलत राम जी ने 6 ढाला, तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टियों की महिमा बखान की। वहाँ उन्होंने सम्यक दर्शन के लिए मोक्ष रूपी महल की पहली सीढ़ी कहकर के पुकारा है। आखिर वो सम्यक दर्शन कैसा होता है? उस पहली सीढ़ी पर जिन्होंने कदम रख दिया है उनकी दशा कैसी होती है, उनकी अवस्था कैसी होती है, उसका चित्रण यहाँ दौलत राम जी ने इस भजन में बहुत सुंदर ढंग से किया है। बहुत ही मार्मिक भजन है। हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से इस भजन की पंक्तियाँ। एक बार बोलेंगे क्या अपन इसको, जैसे बोलना भी आ जाए? बहुत तरह की धुनों में इसे गाया जाता रहा है लेकिन बचपन से मैं उसे एक अलग धुन में गाता हूँ जो मेरे दिमाग में सेट है, मैं उसी में सुनाता हूँ। चिन मूरत द्रग धारी की मोहे रीति लगत है पुरानी धुन है भाई है? शास्त्रीय संगीत और पुराने लोग जो हैं जो शैलियाँ चला करती थी पहले किसी ज़माने में मंदिरों में, और पुराने लोग मास्टर गोपी चंद जी जैसे लोग जब गाते थे तो इसी प्रकार की धुनों में गाया करते थे। चाहे समझिए आप कनक हाड़ा जी हों, इस तरह के लोग उसी ज़माने के दिमाग में सेट है। चिन मूरत द्रग रीति लगत है अटापटी। वापस चिन मूरत द्रग धारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। क्या कहते हैं? बाहर नार की कृत दुख भोगे। बोलो रमत अनेक सुरन संग पैतीस रमत अनेक सुरन संग पैतीस परिणति ते नित हटा हटी। चिन मूरत द्रग रीति लगत है अटा।
ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि घटा घटी। बोलो सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की दशा कैसी होती है दौलत राम जी की दृष्टि से देखिए आप क्या कह रहे हैं। चिन्ह मूरत, चिन्ह माने चैतन्य, मूरत मूर्ति, चैतन्य मूर्ति ज्ञायक आत्मा, अपना जो आत्मा है उसके लिए चिन्ह मूरत शब्द का प्रयोग किया है। दृगधारी नेत्र जिसके पड़ गए हों, नेत्र माने आंखें नहीं ज्ञान नेत्र, जिसने ज्ञान नेत्रों के माध्यम से अपने चैतन्य आत्मा पर दृष्टि दी हो, चिन्ह मूरत दृगधारी की, ऐसे जिसने दृष्टि दी है उसकी, दौलत राम जी कहते हैं मोहे रीति लगत है अटापटी, मुझे उसकी रीति कुछ अटपटी लगती है। अटापटी अटपटी लगती है। सम्यक दृष्टियों के जीवन को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है कि यार ये कैसा जीवन है, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि, बाहर से कुछ नहीं बदला और अंदर से पूरी दुनिया बदल गई, क्या ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी पर कदम रखने वाले जिसके बाद संयम अंगीकार करेंगे, सम्यक दर्शन की शुरुआत माने गुणस्थान चौथा,
गुणस्थान कितने होते हैं? 14 है। 14 गुणस्थानों में से हमारे कौन सा गुणस्थान? मिथ्या दृष्टियों के पहला या फिर चौथा हो सकता है, किसी सम्यक दृष्टि के कोई हो तो है? तो पहला या चौथा, चौथा होता है सम्यक दृष्टियों का। पांचवा गुणस्थान होते ही देश व्रत अणुव्रती हो जाता है, प्रतिमाधारी हो जाता है, और वो प्रतिमाएं बढ़ते बढ़ते एलक शुल्लक अवस्था तक पहुंच जाता है, पांचवा गुणस्थान। छठा सातवां गुणस्थान मुनिराजों का होता है। अभी चौथे गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि यानी जीव चौथे गुणस्थान वाले, किस प्रकार की रीति है उसकी। तो क्या कह रहे हैं? बाहर नार के कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस गटा गटी। क्या स्वरूप है भाई? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कदाचित नरक में चला जाए। अरे सम्यक दृष्टि नरक में हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? कोई मिथ्या दृष्टि जीव, क्या दीपी जी, किसी मिथ्या दृष्टि जीव ने, किसी अज्ञानी जीव ने, किसी ग्रहित मिथ्यात्वी ने, किसी पापी ने पाप की अवस्था में नरक गति बांध ली, नरक आयु बांध ली। अब नरक में तो जाना पड़ेगा। जो गति बंध गई, जो आयु बंध गई, वहां तो जाना ही पड़ेगा। किंतु बची हुए जीवन में उनके परिणाम बदल गए, बचे हुए जीवन में भाव बदल गए, विचार बदल गए, दृष्टि बदल गई, दृष्टि अंतरोन्मुख हुई, अपने आत्म तत्व पर दृष्टि देकर उनकी दृष्टि में सम्यकपना आ गया। फिर क्या होगा? नरक में तो जाना पड़ेगा। सातवें से पहले तक आ जाएगा, मतलब इतना आयु घट जाएगी, इतना जरूर हो जाएगा, लेकिन नरक में तो जाना पड़ेगा। और वहां जाकर फिर सम्यक दर्शन ले लिया कि सम्यक दृष्टि हो गए, कि सम्यक तो सहित चले गए वहां। अब क्या है? बाहर में देखो तो नरक के दुखों को भुगतता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्यक दृष्टि था, बाहर में देखो तो नरक के दुखों को भुगतता हुआ दिखाई दे रहा है, नरक के दुख भुगत रहा है, लड़ रहा है, कट रहा है, मारपीट मच रही है, त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन अंतरंग दशा को देखो तो सुख रस का रसा स्वादन कर रहा है, अंदर में शांति है। ये कैसा स्वरूप है? बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देगा, अंदर की स्थिति वो बाहर से दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, कोई नारकी जीव, कोई पापी जीव त्रियंचादी गतियों से कहीं से भी नरक में चला गया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नरक में चला गया, और वहां जाकर उसे अपने स्वरूप का भान हुआ, कुछ पिछले भाव में उसे याद आया कि ओहो ये बातें तो मैंने तेरापंथी बड़ा मंदिर में सुनी थी, हैं? फिर क्या होगा? उन बातों का लक्ष्य किया और सम्यक दर्शन हो गया। सातवें नरक के नारकी को भी तो बाहर में लड़ता कटता हुआ दिखने पर भी अंदर में अपार शांति का वेतन होता है कि साहब ये तो कुछ बात जच नहीं रही है हमारे को, ये कैसी स्थिति है? बाहर में कुछ और अंदर में कुछ, ये तो मायाचारी हुई क्यों? बाहर कुछ और अंदर कुछ, ये मायाचारी हो गई कि नहीं? नहीं, इसे मायाचारी नहीं कहते हैं, ये वस्तु स्थिति है। क्योंकि अंदर में श्रद्धा तो बदल गई है, मान्यता तो बदल गई है, अभिप्राय बदल गया है, अवस्था धीरे धीरे बदलेगी। सम्यक दृष्टियों की इस अवस्था के संदर्भ में हम हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं, एक ऐसी लड़की का जिसका संबंध निश्चित हो गया हो, शादी नहीं हुई है, संबंध हो गया, शादी नहीं हुई है, सगाई हो गई, अब बताओ कौन से घर में रहती है सगाई के बाद? अरे जन्म से जहाँ रह रही थी वहीं रहती है, उसी घर में रह रही है। क्या खाती पीती है? कि बचपन से जो चलता था उस घर में वही खान पीन चल रहा है, जो सुविधाएं बचपन से थी वही सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सारा सुख दुख अब इस घर से टूटकर उस घर में हो गया जहाँ संबंध हुआ है। जिस घर में रह रही है अभी उसे पराया समझने लग गई, और जहाँ जाना है वो घर अपना दिखाई देने लगा। बोलो,
अरे साहब ऐसा भी, अरे ऐसा ही होता है, ऐसा ही स्वरूप है। अब उनका सुख दुख देखो, यहाँ यदि प्रॉफिट भी होता है ना इस घर में तो भी अपने को क्या है, क्या नुकसान भी हो जाए इस घर में जिसमें रह रही है जन्म से, तो भी कहती है ठीक है। क्या भाई को यदि नुकसान हो जाए ना, अगर ये अकल तो है नहीं, उनसे ही राय ले लेता थोड़ी सी और वहां थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है तो उसमें अपनापन दिखाई देता है। क्यों? ऐसा ही स्वरूप है। श्रद्धा बदल गई, मान्यता बदल गई, सोच बदल गई, घर बदलने वाला है। अब सब कुछ बदलने, बदला कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं बदला है, लेकिन अपनापन जुड़ गया। ऐसे ही सम्यक दृष्टियों का अपनापन श्रद्धा के माध्यम से, श्रद्धा, विश्वास, मान्यता, दृढ़ता अपने आत्म स्वरूप के प्रति हो गई। अब देह के प्रति वो तन्मयता नहीं है जो पहले हुआ करती थी। हाँ, अभी शरीर में रहता है, शरीर को खिलाएगा पिलाएगा, नहाएगा धोएगा, घर गृहस्थी के काम होंगे, परिवार में रहेगा, लेकिन रहते हुए भी दृष्टि कहाँ है? राग बुद्धि नहीं रही, दृष्टि अंदर में चले गई। मुझे मिलाप चंद जी पहाड़िया साहब की दो पंक्तियाँ याद आ रही है, आप लोग जानते हैं मिलाप चंद जी पहाड़िया? नहीं जानते? 96 में उनकी डेथ हुई, 1996 में। जयपुर जैन समाज के बहुत प्रतिष्ठित विद्वान थे, बहुत प्रतिष्ठित विद्वान मिलाप चंद जी पहाड़िया, माने जयपुर, और बिल्कुल निर्विवाद व्यक्तित्व, बहुत ज़बरदस्त विद्वान। वे जिस जमाने में टोलियों के मंदिर में प्रवचन करते थे वादवे के महीने में, पीछे पूरे एक महीने पैर रखने की जगह नहीं होती थी पूरे मंदिर में, कितना विशाल मंदिर आप सोचो। बचपन में हम जाते थे वहाँ तो सुनते थे, मतलब उनकी दो पंक्तियाँ उसी जमाने की सुनी हुई याद है। पनिहारिन बातें करें खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। क्या सम्यक दृष्टियों की दशा का चित्रण करते हुए वे दो पंक्तियां कहा करते थे हमेशा। पनिहारिन, मास्टर साहब कौन? गाँव में कुएं पर जाकर पान, कुएं का पानी से मटके भरने वाली, मटके भरकर घर तक लाने वाली हैं वे महिलाएं, ये पनिहारिन कहलाती हैं। और पांच पांच सात सात मटके घर से लेकर के जाती थी, खाली मटके ऐसे पकड़ करके दो दो चार चार, और वहाँ गई और वहाँ पानी भरा, पांच सात महिलाएं हैं, एक मटका भरा माथे पर रख लिया, फिर एक और भरा उसके ऊपर एक और रख लिया, फिर दोबारा भरा फिर उसके ऊपर एक और रख दिया, और पांच पांच मटके एक के ऊपर एक नीचे बैठ करके, और सब महिलाएं सब मटके भर करके और बातें करती हुई मटकती हुई चल रही हैं क्या? और कोई शहर का व्यक्ति उधर से गुजरे तो क्या कहे, क्या कर रही है, मटके गिर जाएंगे क्या? कि तुझे पता नहीं है उनकी अंतरंग दशा का। बाहर से हंसी मजाक करती हुई हैं, उछल कूद करती हुई चलती हुई भी, मन उनका हर समय कहाँ है, मटके की तरफ है, वो नहीं गिर जाए, ध्यान उधर है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी, परिवार के बीच में रहते हुए भी सम्यक दृष्टियों का ध्यान कहाँ होता है? सम्यक दृष्टियों का ध्यान शरीर और परिवार की तरफ दिखता हुआ भी अंतरंग में अपने स्वरूप की तरफ होता है। इसलिए कितना सुंदर बात कह दी है, नरक में यदि चला गया, नरक कृत दुखों को भोगता हुआ भी अंदर में आत्मा के आनंद का रस स्वादन करता रहता है। अंतर में सुख रस घटा घटी। और सेकंड लाइन में क्या कह दिया, रमत अनेक सुरनी संग पैतीस परिणति ते नित हटा हटी। स्वर्ग में चला गया, सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में है, देवांगनाओं के बीच में है, विषय भोगों के बीच में है, भोग भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करो तो ऐसा लगेगा कि अरे क्या भोग भोग रहे हैं, लेकिन भाई अंतरंग दशा देखो, तिस परिणति तय नित हटा हटी। भोगने के काल में भी निरंतर अंदर में परिणाम यह है, कब इससे विरक्त होऊंगा, कब इससे छूटूंगा, कब इससे मुक्त होऊंगा, अंतरंग में ऐसी दशा चलती। ऐसा जीवन होता है ज्ञानियों का। रमत, रमते हुए, अनेक सुरनी देवांगनाएं,
संग उनके साथ में पय तिस फिर भी उस परिणति ते उस क्रिया से उस परिणति से उन उस पर्याय से उस परिणमन से नित निरंतर हटाहटी हटने का परिणाम है। द्रव्य की प्रति एकाग्रता अरुचि पूर्वक भोगों को भोग रहा है लेकिन रुचि पूर्वक नहीं अरुचि पूर्वक भोगता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीवों की भोगों की दशा का चित्रण करते हुए ऐसा उदाहरण देते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव भोगों को भोगता है भोजन की तरह और सम्यक दृष्टि जीव भोगों को भोगता है दवाई की तरह। क्या फर्क है दोनों में? भोजन लेते समय ये परिणाम रहता है और क्या, और दवाई लेते समय ये भाव रहता है, भले ही ले रहा है टाइम टू टाइम ले रहा है लेकिन भाव क्या है, कब छूटेगा, छोड़ने योग्य है दवाई और कितने दिन लेनी पड़ेगी, डॉक्टर साहब से क्या पूछता है? भोजन में कभी ऐसा नहीं लगता कि और कितने दिन लेना पड़ेगा, लेकिन दवाई में ऐसा लगता है और कितने दिन, ऐसा ये स्वरूप है भाई। इसकी पकड़ और चेंट के बारे में, पर द्रव्यों के प्रति पकड़ और चेंट के बारे में उदाहरण दिया जाता रहा है, बिल्ली की पकड़ का। बिल्ली अपने दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है और उन्हीं दांतों से चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन पकड़ में फ़र्क है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, ऐसी कहावत प्रसिद्ध है जगत में कि बिल्ली जब तक अपने बच्चों को सात घरों में नहीं ले जाती तब तक उनकी आंखें नहीं खुलती, ऐसे बचपन से सुनते आ रहे हैं, सच्चाई तो सर्वज्ञ जाने, ऐसा ही है ना? आप लोगों ने नहीं सुनी, बच्चे हुए ना बिल्ली के तो उनको मुंह में पकड़ करके वो कई घरों में घुमाती है वो, क्या ले ले कर, आप लोगों ने भी नहीं सुनी? अरे क्या बात कर रहे, ये मास्टर साहब कह रहे सही बात है, जगह चेंज करती कई घरों में घूमती है। तो मेरा कहने का मतलब कैसे ले जाती होगी वो मुंह में पकड़ कर, तो कैसे पकड़ती होगी? ऐसे पकड़ती है जैसे पकड़े हुए भी नहीं पकड़ा हुआ है, मर नहीं जाए, लग नहीं जाए, अरे चुभ नहीं जाए दांत। और चूहे को कैसे पकड़ती है? बच नहीं जाए क्या? बिल्ली को भी ऐसे, अपने बच्चों को भी ऐसे पकड़ती है कि गिर नहीं जाए, और चूहे को भी ऐसे पकड़ती है कि छूट नहीं जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पकड़ में बहुत फर्क है। यही फर्क यहाँ सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीवों के भोग भोगने के काल में नजर आता है। सम्यक दृष्टियों की कैसी दशा होती है? चिन्ह मूर्त चैतन्य मूर्ति द्रग माने दृष्टि माने श्रद्धा जिसकी हो गई है, ऐसे व्यक्ति की मोहे, दौलत राम जी कहते हैं मोहे मुझे रीति लगती है अटपटी, अटपटी क्या लगती है? देखें जरा क्या कहते हैं आगे, दो लाइनें हो गई, बोल लो एक बार। बाहर नार के ग्रंथ दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी रमते आने नित हटा हटी आगे। क्या सम्यक दृष्टि का भूलना स्वभाव है? हाँ, जगत के पदार्थों को भूलता है, अपने स्वभाव को स्मरण रखता है, उपेक्षा स्वभाव याद रहता है उसको, उपेक्षा भाव। हाँ देखो, ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि घटा सदन निवासी तदपि उदासी ताते आश्रव छटा छटी। क्या स्वरूप का चित्रण किया है, मतलब है? मजा आता है, पंक्तियां गाते रहो गुनगुनाते रहो, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत गुनगुनाता रहता हूँ, जब कभी मूड होता है तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ भजन। कैसा स्वरूप का चित्रण किया है? ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, ज्ञान की भी शक्ति है और वैराग्य की भी शक्ति है, वैराग्य भावना है उसके अंदर में, वैराग्य अंगीकार करना है उसे, सम्यक दर्शन मंजिल नहीं है, अभी आगे बढ़ना है। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से
विधि फल, विधि मतलब कर्म, विधि विधि मतलब कर्म, और फल माने कर्मों के फल को भोगता है, पर फिर भी विधि मतलब कर्म घटते रहते हैं। ज्ञान वैराग्य की शक्ति से, उसके अंतरंग स्वरूप के श्रद्धान के बल से क्या होता है कि कर्म निरंतर घटते रहते हैं, कर्मों के फल को भोगता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्मों का फल घटता जा रहा है, निरंतर घटता जा रहा है। सदन निवासी रहता घर में, अभी घर नहीं छोड़ा है, अभी त्यागी नहीं हुआ है, अभी मुनि नहीं हुआ है। सदन निवासी तदपि उदासी, घर में रहता हुआ भी घर से भिन्न, देह में रहता हुआ भी देह से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव करता है। अरे देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं, क्या लिखते हैं वे? पेइंग गेस्ट है। हाँ, क्या कहते हैं श्रीमद् जी? देह छता, देह होते हुए भी गुजराती है, गुजराती लाइनें हैं। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। देह के रहते हुए भी जिनकी दशा देह से अतीत वर्तती है, क्या सदन निवासी घर में रहते हुए भी उदासी है? जल से भिन्न कमलपत रहते हैं, तांते इसलिए क्या हुआ है? आश्रव छटा छटी, आश्रव छट रहे हैं, उदासीनता है। उदास है का मतलब उदास नहीं, क्या घर से उदास है? उदास करते उदास होगा बेचारा, मुंह लटका के बैठा होगा, ऐसे उदास। उपेक्षा भाव। उदास माने क्या है? उदास का मतलब पर से तो उदास है लेकिन स्वरूप में उत्साह है। एकाग्रता बदल गई, दृष्टि बदल गई, निगाह बदल गई, अब उसमें आनंद नहीं आता, अब बाहर आनंद नहीं आता, अब अंदर आनंद आता है। आनंद की दृष्टि बदल गई, देखने का नजरिया बदल गया है? कैसी दृष्टि है भाई ज्ञानियों की, घर में रहते हुए भी। और इन्हीं पंक्तियों को इन्हीं दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा, गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। यही है, पंक्तियां बदल गई वहां, तीसरी ढाल की पंक्तियां हैं। गेही पे ग्रह में न रचे, घर में रहते हैं लेकिन घर में रचते नहीं है, ज्यों तीन एग्जाम्पल दिए, घर में रहते हुए भी घर में नहीं रचते हैं, इसके लिए तीन एग्जाम्पल दिए। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार, दूसरा एग्जाम्पल वेश्या का प्यार कुछ नहीं है, दिखावा है, प्यार तो पैसे से है, तुमसे प्यार करती दिखाई देवे तो भी। कादे में हेम अमल है, कादे में रहता हुआ भी स्वर्ण जिस तरह से काली माँ से रहित होता है, वेश्या का प्यार जिस तरह से वास्तविक नहीं है, और जल में रहता हुआ भी कमल जिस तरह से अछूता रहता है, उसी तरह से घर में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव घर से भिन्न अनुभव किया करते हैं। क्या स्वरूप है भाई? सदन निवासी तदपि उदासी, ताते आश्रव छटा छटी। दशा किसकी है? चिन्ह मूरत द्रग धारी की मोहे, रीति लगत है अटापटी। क्या है देखो आगे क्या कहते हैं, जी भव हे तो अबुद के ते तस करत बंद की जटा जटी, नारक पशु दिय षड विकलत्रय प्रकृति की है कटाकटी। क्या समझ में आया क्या दीपेश जी क्या कह रहे हैं? जे भव हेतु, जो संसार का कारण है, अबुद खोटी बुद्धि,
अज्ञानियों की, ते उससे तस उस प्रकार की बुद्धि से, तरत बंध की जटा जटी, भव के जो हेतु दिखाई देते हैं, जो अज्ञान के कारण दिखाई देते हैं, ऐसे समस्त बंध की उनके जड़ी लग गई है। भव हेतु अबुद्ध के, अबुद्ध माने अज्ञान अवस्था के, और संसार के कारण उस बंध की करत करते हैं, बंध की जटा जटी जड़ी लगी हो, जैसे बंध की जड़ी लगी है। कि क्या क्या बंध कट गया है उनके, ये तो बताओ। नारक, नारकी, नारकी नहीं बनेगा, पशु त्रियंच नहीं होगा, तीय स्त्री नहीं होगा, षंड नपुंसक नहीं होगा, विकलत्रय दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री असेरी पंचेंद्री नहीं होगा, प्रकृतिन की वह कटाकटी, ये सब जो कर्म प्रकृतियां थी, इन समस्त प्रकृतियों की कट गई है, ये सब कट चुकी है उसके। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, जिसने एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, अब वो जीव कभी नरक में नहीं जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई है भाई साहब। क्या रत्नकरण श्रावकाचार में भी दरिद्री आदि ऐसे भी चित्रण किया है, बहुत सुंदर श्लोक में। विकलांग नहीं होगा, दरिद्री नहीं होगा, ऐसे मूल श्लोक में चर्चा की है। कहाँ से शुरू होता है श्लोक है? देखो याद आएगा तो बतलाऊंगा अभी। तो ये सारी प्रकृतियां कट गई उसके, कितना बड़ा काम हो गया है सम्यक दृष्टि जीव के। नरक में नहीं जाएगा कभी भी कि हाँ। अच्छा वो जो है ना, एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। कहाँ की बात है? शिखर जी की। आप लोगों ने किया नहीं शिखर जी की यात्रा? हैं, की है ना सबने? सबने की है ना शिखर जी की यात्रा? शिखर जी की यात्रा करके एक सज्जन नीचे उतर करके किसी चाट वाले की दुकान पर और आलू की टिकिया खा रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो, ये शिखर जी आकर के भी ये सब, क्या नरक में जाओगे? तो क्या कहता है, अरे पंडित जी आपको इतना सा नहीं पता, शिखर जी की यात्रा हो गई। एक बार बंदे जो कोई, ताई नरक पशुगति नहीं हुई। अब हमारी तो नरक और पशुगति नहीं होगी, अब तो कुछ भी खाओ पियो मजे से रहो, क्या है उसमें, क्या फर्क पड़ गया? ये नहीं भाई, इसका यह अर्थ नहीं था। शिखर जी की वंदना का अर्थ तो यह था कि एक बार शिखर जी चला गया और शिखर जी जाकर, समय शिखर जी जाकर उस पहाड़ पर वंदना करते हुए जब उस पहाड़ से ऊपर देखते हैं, दिखाई नहीं देंगे, ज्ञान नेत्रों से दिखाई देंगे, आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे। इस पूरे भरत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करने वाले, निर्वाण की प्राप्ति करने वाले, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले यदि जीव कहीं विराजमान है सिद्धालय में, तो शिखर जी के एरिया के ऊपर है। जो जीव जहाँ से ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, वहीं से ठीक ऊपर सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। हम जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ भी ऊपर सिद्ध परमात्मा विराजमान है सिद्धालय में, और शिखर जी के ऊपर भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ हैं। जब शिखर जी की वंदना करते हुए अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं का स्वरूप ख्याल में आता है, सिद्धों की वंदना का भाव आता है और सिद्ध स्वरूप लक्ष्य में आता है, तो फिर क्या होता है? चिन्ह मूर्त दृढ़धारी। क्या सिद्ध स्वरूप लक्ष्य में आने पर सम्यक दर्शन हो जाता है, फिर क्या होता है? नारक पशुतीय षड विकलत्रय प्रकृतिन की वे कट गई। प्रकृतियां कट गई उसके, प्रकृति से नहीं है, स्वरूप से नहीं है। अब उसके स्वरूप में कभी भी त्रियंच नहीं बनेगा, नारकी नहीं बनेगा, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री विकलत्रय नहीं होगा, स्त्री नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा। ऐसी अवस्थाएं सब उसके जीवन से कट गई है भाई। देखो 41 कर्म प्रकृतियों का की बंध विच्छित्ति सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की हो गई है। देखो फिर आगे क्या कहते हैं दौलत राम जी अंतिम छंद में।
संयम धरना सके पे संयम धारण की उर चटा चटी। क्या कह रहे हैं है? तासु सुयस गुण की दौलत के लगी रहे नित रटा रटी। कई बार बचपन में बहुत छोटे थे, 5-7 साल के 8 साल के होंगे समझ लो आप, जब कभी ये भजन सुनते थे तो ऐसा लगता था चटपटी अटपटी है, ये क्या क्या है, ये कैसे भजन है, ये क्या कह रहे हैं दौलत राम जी। संयम धरण ना सकें, संयम ही नहीं हुआ है, अभी संयम धारण नहीं किया है, संयम धारण नहीं कर पाया है, घर गृहस्थी में रहता है। संयम धर्म, धर्म मतलब धारण करना, संयम मुनिव्रत अंगीकार नहीं किया, व्रति नहीं हुआ, अनुव्रति नहीं हुआ, महाव्रति भी नहीं हुआ, धर न सके पे लेकिन कर नहीं पा रहा, लेकिन संयम धारण की हृदय में निरंतर चटाचटी लगी हुई है, कब संयम अंगीकार करूंगा, कब संयम अंगीकार करूंगा, कब मुनिव्रत अंगीकार करूंगा, कब व्रत लूंगा, ये भावना निरंतर चलती है, निरंतर ऐसी भावना, कब दिन आएगा ऐसा। संत साधु वन के विचरो वह घड़ी कब आएगी, निरंतर ये भावना चलती है, संत साधु बन के विचरूं, मैं विचरण करूं, वो कब ऐसी अवस्था आएगी, हो मेरी ऐसी दशा, ऐसी दशा कब होगी मेरी, संयम धर नहीं, तो फिर ले क्यों नहीं रहा है संयम, जब इतनी उसके चटापटी लगी हुई है तो ले ले ना संयम, समय नहीं पका है, काल नहीं आया, अंदर में परिपक्वता नहीं हुई है, अंदर में कचावट है अभी, अंदर में थोड़ा वीकनेस है, भावना तो है लेकिन अब करेंगे करेंगे करेंगे, अब ऐसा नहीं होता है। अनेक बार आपके मन में किसी काम को करने की भावना चलते हुए बरसों निकल जाते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है। कोई चीज़ खरीदनी हो, बाजार से कुछ लाना हो, कुछ काम करना हो, मैं कितने समय से सोच रहा हूँ उनसे मिलने जाना है, मैं कितने समय से सोच रहा हूँ एक घर बनाना है, मैं कितने समय से सोच रहा हूँ एक गाड़ी खरीदनी है, मैं कितने समय से सोच रहा हूँ, सोच तो फिर क्या कर रहे हो आप, बहुत दिन हो गए सोचते हुए, तो भी इतने दिन से सोच क्यों रहे हो कि समय नहीं आया अभी क्या करें, क्या कर्मों का क्या दोष है, कमजोरी है अपनी समझ लो, नहीं ऐसा क्या कहें, अंदर में पुरुषार्थ की कमजोरी है, बस पुरुषार्थ की कमजोरी है, होगी अंदर में पुरुषार्थ की कमजोरी है इसलिए ऐसा हो रहा है, कर्मों के ऊपर दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में, इसमें ये स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म पर लगाता है, तो जैन दर्शन में ऐसी अनीति उचित नहीं है, संभव नहीं। शुभ कर्म का उदय आएगा तो क्या भागेगा, नहीं है भाई साहब ऐसा नहीं है, कर्म के उदय की नहीं पुरुषार्थ की जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है। क्या कह रहे हैं, कर्म का उदय चल रहा है तो अभी संयम नहीं ले पा रहा, नहीं ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हम क्योंकि पाप कर्म का उदय तो चलता ही रहेगा, पाप कर्म का उदय तो मुनि अवस्था आने पर भी चल जाता है, तो पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर जब कमट पत्थर बरसा रहा था तो उदय तो पाप का ही चल रहा था, लेकिन वो पाप का उदय उनको केवल ज्ञान प्रकट करने से रोकने में समर्थ नहीं हो सका। अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से जब एक जीव का तीव्र पुरुषार्थ अंदर में बढ़ता है तो कर्मों की क्या बातें रास्ता दे देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। चलो समय हो रहा है, देखो पूरा हो गया ये, संयम धर ना सके पे फिर भी संयम धारण की उर माने हृदय में चटाचटी माने अंदर में भावना ऐसी चलती रहती है, कब संयम लूंगा कब संयम लूंगा। तासु सुयस गुण की दौलत के, उसका सुयश उसकी यशोगाथा उसकी कीर्ति सम्यक दृष्टियों का बहुमान, अरे स्वर्ग के देव, स्वर्ग के देव चरणों में आकर के झुकते हैं, सम्यक दृष्टियों के चरणों में आकर के झुकते हैं, क्या कहते हैं जय जयकार
देव देव लोग भी जय जयकार करते हैं, दौलत राम जी ने लिखा ऐसा, ये वही तो यही तो कह रहे हैं, यही इन्हीं की लिखी हुई पंक्तियां हैं। बोलो पै सुरनाथ जजे हैं, ध्यान आ रही है पंक्तियां, ये इसके पहले की ये लाइनें, वो दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह वश लेशन संयम पै सुरनाथ जजे हैं, तासु सुयश उनके सुयश की, उनके यशोगान की, गुण की उनके गुणों की, दौलत राम जी ये कहते हैं लगी रहे नित निरंतर मेरे मन में लगी रहती है रटा रटी। कैसी रटा रटी लगी रहती है कि इन सम्यक दृष्टियों की चाल कैसी अटपटी सी दिखाई देती है, परस्पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है, नरक के दुखों को भोग रहे हैं, भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंदर में सुख का रसास्वादन कर रहे हैं, ये कैसी उल्टी बातें हैं ना, अटपटी नहीं लग रही है बात आपको, देवांगनाओं के साथ में रम रहे हैं और हटने का परिणाम निरंतर चल रहा है, ये कैसी बात है, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से कर्मों को भोग रहे हैं कर्म फल को और कर्म घट रहे हैं, ये कैसी बात है, घर में रहते हैं लेकिन तदपि उदासी फिर भी उदास हैं, घर में रहते हुए भी घर से उदास हैं, ये कैसी बात है, भव के हेतु इन कर्मों की निरंतर झटाझटी लगी हुई है, संयम धर नहीं पा रहे हैं, संयम धारण की उनकी झटाझटी लगी हुई है, हमें तो ये बातें बड़ी विचित्र नज़र आती है, हमें ये बातें बड़ी अटपटी नज़र आती है, हम क्या कहें भाई, सम्यक दृष्टियों का बाहर में भी कुछ नहीं बदला है, घर परिवार के साथ में रहते हुए बिजनेस करते हुए भी, दुकान करते हैं बिजनेस करते हैं, परिवार हैं बच्चे हैं, बच्चों की ब्याह शादियां हैं, खुद की शादी, फिर बच्चे हुए बच्चों की शादियां, सारा परिवार मिलना जुलना खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से रस टूट गया है, अंदर से दृष्टि बदल गई, क्या अब निगाह बदल गई, अब वो बात नहीं है, ऐसा कहते हैं ना, अब वो पहले वाली बात नहीं है, सब आखिर रिलेशन तो है जो है, लेकिन अब वो संबंधों में मिठास नहीं है, सम्यक दृष्टियों का, अरे लोग ऐसा सोचते होंगे तो फिर घर गृहस्थी में रहते हुए परिवार के साथ में पत्नी पुत्रादि के साथ में वो राग टूट गया तो शायद गृहस्थी गड़बड़ा जाती होगी, सम्यक दृष्टियों की गृहस्थी तो बिगड़ जाती होगी ना, आप कहाँ उलझा रहे हो हमारे को, सदन निवासी तदपि उदासी, अरे उदास उदास रहेगा घर में, क्या काय की गृहस्थी चलेगी, हाँ कह रहे हो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, ऐसा सम्यक दर्शन क्या करेंगे, ऐसे सम्यक दर्शन का हम तो ऐसे ही ठीक है, कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टियों की गृहस्थी बिगड़ती नहीं है, सम्यक दृष्टियों की जैसी गृहस्थी जितनी सुव्यवस्थित और अच्छी चलती है उतनी मिथ्या दृष्टि की चल ही नहीं सकती है, उसका कारण क्या है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी जानता है, सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय को भी जानता है, सम्यक दृष्टि क्रमबद्ध को भी जानता है, सम्यक दृष्टि जीव भली प्रकार इन सिद्धांतों को जानता है, क्या वस्तु स्वतंत्रता को भी जानता है, कण कण की स्वाधीनता को भी जानता है, सम्यक दृष्टि जीव को इन सब बातों की खबर है, इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनने पर भी वो उनसे प्रभावित नहीं होता है, ऐसी दशा होती है सम्यक दृष्टियों की, हो मेरी ऐसी दशा, कैसी दशा है, मुनिराजों जैसी, अरहंतों जैसी, तीर्थंकरों जैसी, सिद्ध परमात्माओं जैसी, अरे सबसे पहले तो दौलत राम जी कह रहे हैं सम्यक दृष्टियों जैसी, ऐसी दशा हो। चलो अंतिम वापस पंक्तियां कौन सी, चिन मूरत द्रग धारी की मोहे रीति लागत है अटापटी, चिन मूरत द्रग रीति लागत है अटापटी, ऐसी अटपटी चाल जिन सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की है, चिन्ह मूरत चैतन्य मूर्ति आत्म तत्व पर दृष्टि माने श्रद्धा जिन्होंने धार दी है, उनकी रीति अटपटी भले ही हो लेकिन वे सिद्धों के लघुनंदन हैं, उनके कदम मोक्ष मार्ग में बढ़ चुके हैं, अब वे संसार में नहीं रुलेंगे, अब तो वे संसार से पार हो जाएंगे,
अब विषयों में ना ही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जिनकी दृष्टि स्वभाव पर हुआ करती है, वे प्रथमानु युग में पूज्य पुरुषों के रूप में दिखाई देते हैं। आप बताओ ऐसा क्या हुआ सेठ सुदर्शन के साथ में जिनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध हो गया? ऐसा क्या हुआ सोमा सती के साथ में? ऐसा क्या हुआ सती मनोरमा के साथ में? ऐसा क्या हुआ यमपाल चांडाल के साथ में? ऐसा क्या हुआ सती सीता के साथ में? क्या हुआ कि बाहर में परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन दृष्टि कहाँ थी? अपने स्वभाव पर। जिनकी दृष्टि स्वभाव पर होती है, स्वभाव पर दृष्टि रखने वाली पर्याय भी धन्य हो जाया करती है। ऐसी दृष्टि हमारी भी हो और हम सभी मोक्ष महल की इस पहली सीढ़ी पर कदम रखकर अल्प काल में सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।